अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड ब्लेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 27, 36, 66 एंड 99 का बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में हमारे पास यहाँ दो या दो से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज होती हैं, जब हमें उनका एलसीएम फाइंड आउट करना होता है तो उन्हें हम एक साथ ही डिवाइड करते हैं। यहाँ हमारे पास चार वैल्यूज हैं, 27, 36, 66 एंड 99। अब हम इन्हें डिवाइड किससे करेंगे? इन्हें हम डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर्स से। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। कौन से दो टेबल्स में आते हैं? एक अपने और दूसरे वन के, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। हम देखेंगे कि इनमें से कितनी वैल्यूज 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती हैं। अगर कुछ हो सकती हैं तो उन्हें पहले हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ दो वैल्यूज के लास्ट में इवन नंबर है, ऐसी ये दोनों वैल्यूज 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होती हुई नजर आ रही हैं। बाकी जो वैल्यूज 2 से डिवाइड नहीं हो रही, जैसे कि 27 एंड 99, उनको हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। 1 हमारे पास जो रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। 2 के टेबल में 6 बिल्कुल आता है 3 पे और 6 दोबारा से आएगा 3 पे। अब देखेंगे अभी भी क्या कोई वैल्यू हमें इसमें 2 से डिवाइड होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, 2 से हमें अभी भी 18 जो है वो 18 लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि वैल्यू अभी भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है, तो उसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। जो वैल्यूज 2 से डिवाइड नहीं हो रही उन्हें एज इट इज कॉपी कर लेंगे। 2 के टेबल में 18 बिल्कुल आता है 9 पे। 33 और 99 को हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब इनमें से कोई सी भी वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि किसी के भी लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 नहीं है। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। 3 से हमें बहुत सारी वैल्यूज डिवाइड होती हुई नजर आ रही है। 3 के टेबल में 27 आता है 9 पे। 9 आता है 3 पे। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे और 3 आता है 1 पे, यानी कि 11 पे आता है 33। इसी तरह 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 9 आता है 3 पे, यानी कि 3 के टेबल में 33 पे आता है 99। अभी भी हमें 3 से वैल्यूज डिवाइड होती हुई नजर आ रही है, उन्हें 3 से ही डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे, 3 आता है 1 पे। 11 खुद एक प्राइम नंबर है, 11 को हम यहाँ 11 से ही कैंसिल कर सकते हैं सिर्फ। और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे और 3 आता है 1 पे। अभी भी हमारे पास एक 3 है जिसे हमें 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 1 आ चुका है और यहाँ हमारे पास 11 है जिसे हमें 11 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 11 खुद एक प्राइम नंबर है। लास्ट में हमने क्या करना है? दोनों 11 को 11 से डिवाइड करना है क्योंकि 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे। अब हम इसका एलसीएम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? इन तमाम प्राइम नंबर्स को जिनसे हमने चारों वैल्यूज को एंड तक डिवाइड किया है उन्हें कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और लास्ट में हमारे पास एक बार है 11। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 3 इज़ 12, 12 टाइम 3 इज़ 36, 36 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, वो हम रफ वर्क में करके देख लेते हैं। 3 टाइम 6 इज़ 18 का 8 1 कैरी, 3 टाइम 3 इज़ 9 प्लस 1 10 और लास्ट में 108 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। 1 टाइम 8 इज़ 8, 1 टाइम 0 इज़ 0, 1 टाइम 1 इज़ 1, 1 टाइम 8 इज़ 8, 1 टाइम 0 इज़ 0 एंड 1 टाइम 1 इज़ 1। इनको कर लेंगे हम प्लस 8, 8, 1, 1। हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है 27, 36, 66 एंड 99 का, जो कि है 1188। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने जो है वो एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी वैल्यू का एलसीएम जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हैं आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।